Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Today we are going to learn Rockmark English for class 2 and our lesson is Mother Knows Best. Maa sabse behtar janti hai. Sabse pehle hum is chapter ki reading karte hain. George and his mother are at the market. George aur iski maa jo hain wo market mein hain. They are buying fruits at the fruit stall. वो फ्रूट स्टॉल से कुछ फ्रूट्स फल खरीद रहे हैं. मे आई हैव दिस पियर मम, अम्मी क्या मैं ये पियर नाशपाती खरीद सकता हूँ. जॉर्ज आस्क हिज मदर, जॉर्ज अपनी माँ से पूछता है. दैट्स नॉट अ पियर, ये नाशपाती नहीं है. इट्स अ लेमन, ये लीमू है. मिसिस चैपलिन आंसर, मिसिस चैपलिन जवाब देती हैं. जॉर्ज शोज हिज मदर अ मैंगो एंड आस्क, जॉर्ज अपनी माँ को आम दिखाता है और पूछता है, मम इज इस अ पियर, क्या ये नाशपाती है. नो इट्स नॉट, इट्स अ मैंगो शी सेज, वो कहती हैं नहीं ये आम है. जॉर्ज लुक्स अराउंड एंड पिक अप अ पियर, जॉर्ज इधर उधर देखता है और अपने लिए एक नाशपाती उठा लेता है. लुक मम, देखें, दिस इज अ पियर, क्या ये नाशपाती है. कैन आई हैव इट, क्या मैं इसको ले सकता हूँ. He asks, वो पूछता है. Mrs. Chaplin smiles and replies. Mrs. Chaplin मुस्कुराती हैं और जवाब देती हैं. Yes, हाँ, it is a pear, ये नाशपाती है. You can have it, तुम इसको ले सकते हो. Then George and his mother pass a candy shop. फिर George और उसकी माँ एक candy shop के पास से गुजरते हैं. He sees a big lollipop. वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा lollipop देखता है. He points to it, वो इसकी तरफ इशारा करता है. He wants his mother to buy it for him, वो चाहता है कि उसकी माँ उसके लिए ये खरीदे. आज का हमारा लेसन जो है उसकी रीडिंग यहीं तक है. इसके साथ हम इसके क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर जॉर्ज एंड हिज मदर, जॉर्ज और इसकी माँ कहाँ हैं. इसका आंसर है चैप्टर की फर्स्ट लाइन में, जॉर्ज एंड हिज मदर आर एट द मार्केट. जॉर्ज और इसकी माँ मार्केट हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, वट आर दे बाइंग एट द फ्रूट स्टॉल, वो फ्रूट स्टॉल से क्या खरीद रहे. दे आर बाइंग फ्रूट्स एट द फ्रूट स्टॉल, वो फ्रूट स्टॉल से फ्रूट्स खरीद रहे हैं. ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न करने हैं, फिर इनको राइट करना है. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है आप इस वीडियो को दोबारा देखें. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके अपना प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं. और आपने जो काम है वो आपने वीकली जो है वो सबमिट करवाना है स्कूल में. और इसका पैटर्न जो है आई होप कि सबको पता होगा कि आप काम कैसे करेंगे. इस तरह से पहले आप होमवर्क लिखें, फिर यहाँ पे आप डेट लिखें, डेट लिखें, सब्जेक्ट जिस टॉपिक का काम करें सब्जेक्ट का आप वो लिखें, इसके बाद आप टॉपिक लिखें और क्वेश्चन लिखें. क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन के नीचे से यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिखें, फिर उसके नीचे आंसर लिखें और उसका आंसर लिख दें. इस तरह आपने काम करके इसको वीकली जो है असाइनमेंट के तौर पर आपने स्कूल में सबमिट करवाना है. थैंक यू, हमारा आज का काम इतना ही था. अल्लाह हाफिज़.